अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मम्मा ने ना कसम खाई हुई है, मेरी पूरी डाइट खराब कर देनी है, क्योंकि आज उन्होंने जरा प्लान किया कि हलीम बना, और ये हलीम की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन ये हलीम की हो रही हैं? जी जी बिल्कुल, ये देखो कहाँ है ये चिमकन हलीम, बीफ हलीम, चिकन। इसमें गोटा किसने लगाया? मैंने। अम्मा तो मुझे बोलती है खुद गोटा लगाओ, ब्लेंडर से लगा लेती हैं जब मैं नहीं लगाता। मैंने ब्लेंडर से भी लगाया और इससे भी लगाया, क्योंकि अनिया को बहुत भूख लगी है, उसे सबर नहीं है, उसमें इंतजार नहीं हो रहा। बेचारी ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, बस नान आएंगे और हम ये स्टार्ट कर देंगे खाना। इसकी टॉपिंग मैं आपको जज करके बताऊंगा, रेटिंग दूंगा। ऑनेस्ट रेटिंग। हम लोग का इनसाइड जो है, हम लोग ऑनेस्ट नहीं बोलते, हम लोग हॉनेस्ट बोलते, हॉनेस्ट रेटिंग दूंगा। कहाँ पे? हाँ जिस पाए थे, इसको जरा छोटी सी वॉक पे लेके जाना है, क्योंकि इसके दिन की 5 टाइम की वॉक है, छोटी छोटी की, 5-10 मिनट की, 5-10 मिनट की, तो उसको लेके जाना है। ये वेट कर, और अनिया ने भी इसको दिया था केला। अच्छा, खिलाने की कोशिश की बट इसको पहले बाहर से ले आओ। तो अब सीन ये है कि मीन वाइल जितनी देर मैं इसको वॉक करा रहा हूँ, उतनी देर उमर गया है नान लेने, तो उमर नान लेके आता है, तो फिर सब खाने के लिए बैठते हैं। भागने की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, ये इस तरह से ये भागता रहता है। नान ले लिए, कितने रात वाले फिर बाद में ले लेंगे, मरने भी 6 ले लिए, उमर के साथ ही मैं घर जा रहा हूँ। चलो आ जाओ भाई, भाग रहे हो भाई, घर जाने, चलो गुड बॉय। मैंने सोचा था मैं हलीम नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा खाऊंगा, लेकिन मेरा जो एक्चुअल खाना है ना, वो मैंने माइक्रोवेव कर लिया है, वो है चिकन एज यूजुअल। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा हलीम ले लूंगा, क्योंकि वो नाराज भी नहीं करना ना, मजाक करो, दिल भी करे थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद तुम टॉफी पुडिंग खा लोगे। मैं कोई नहीं खाऊंगा, खाई मैंने क्या चुरोस। लोग मजाक उड़ाते रहते हैं ऐसे। एक दिन खा ली थी, बात पकड़ के बैठ गए। मुझे लगा था मेरे लिए हलीम सर्व हो रहा है, और ये अनिया का है। जी जी आ जाएं आप, जरा वजन कर लें इसको। अनिया मुझे तो उपास करना मसाले से। मुझे नहीं लगता कि कोई सबूत देने की जरूरत है कि हलीम बहुत अच्छा था, क्योंकि प्लेट तो खाली है भाई, और चिमकन भी कुछ खाली। अभी मम्मा मेरे से पूछ रही है कि कैसा बना। मैं वो प्लेट देख के ही पूछ रही थी, अब टीजिंग है। ओह, मुझे लगा पूछ रही है। नहीं, मुझे पता चल गया प्लेट देख के कि पसंद आ गई है, अप्रूव्ड। मम्बली भाईजान के ना नॉट्स बने हुए, हम उसके नॉट्स काट रहे हैं, और उसको भी पता भी नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, और इसको ये बड़ी डर लगता है इस तरह की चीजों से। मैंने तो उनको आइडिया प्रपोज किया था कि बिस्किट का भी कर देता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मम्बली का जरूरी है, क्योंकि नॉट्स हैं। ये मैं दिखाती हूं, और इसको अच्छा नहीं लगता। ये नॉट्स बने हुए, बेचारी तकलीफ में बोल भी नहीं सकते। जरा आंखें देखिए कैसी हुई। तुम्हें खाल से निकाल लगा के करना होगा। निकल रहा है। हाँ, सबर सबर सबर, कुछ नहीं है तुम्हारे, कुछ नहीं तुम्हारे ही अच्छे के लिए कर रहे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मम्बलू। हाँ, गुस्सा। हाँ ऐसे कर। हाँ ऐसे। ओह कुछ खिंच भी रहे होंगे ना उसके नॉट्स। सॉरी डेविल लग रही है। सॉरी, गंजे वाले पे किया वाला। मम्बलू, सो अभी हमें जाना है एयरपोर्ट, नबिया ईमान को और अंकल को लेने। मिल गया चश्मा? हाँ, साफ कर दो प्लीज, थोड़ा साफ कर देना। तो हम जा रहे हैं अंकल को लेने, नबिया को लेने, ईमान को लेने, तीनों लैंड करने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। मम्मा आ गए थे 2 दिन पहले, उनका प्लान और था, और बाकी सब भी आ गए हैं तकरीबन। बस गाइस, हमने मम्बली के यहाँ पे करनी थी, तो ये ट्रिमर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओके थैंक्स, एक्स्ट्रा लेटर तो नहीं चाहिए ना? नहीं, और यहाँ पे ज्यादा कचरा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने कॉफी मशीन की डीस्केलिंग दी थी मेरी, तो ये करनी थी, और ये फाइनली हो गई है। पहली दफा मैंने डीस्केलिंग की है, मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं, क्या होता है, लेकिन यार बड़ा इजी प्रोसीजर था। डीस्केलिंग होता है बेसिकली कॉफी मशीन में, जो आप बहुत कॉफीज बना लें। क्या हाँ, मुझे भी लगा था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, इट वाज वेरी इजी एंड फाइनली हो गया। इतनी तारीफें कर करके पी कितनी है? मम्मा ने पी ली थी ये, मैंने डीस्केलिंग करते हुए उसके अंदर रखा था, वो रेजिडुअल वो पानी है। हम इस डिलेमा में फंस रहे थे कि कितने बैग्स हैं और कैसे आएंगे, किस गाड़ी में, 2 गाड़ियां लेके जानी है, नहीं इसको पीछे करना है ताकि ये गाड़ी निकल जाए। आई होप एक गाड़ी में से आ ही जाएंगे यार। वैसे ये गाड़ी की हालत क्या हो रही है यार, इतनी गंदी हुई है। फाइनली आती एयरपोर्ट, आई डोंट थिंक अभी फारिग हुए हैं, अदरवाइज यहाँ बाहर पे आ जाते। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से यहाँ नीचे से निकलना पड़ता है और फिर ऊपर आना पड़ता है, लेकिन अभी कहीं नजर नहीं आ रहे, सो आई एम अज्यूमिंग कि अभी आए नहीं है। नीचे जाके जरा चेक करते हैं आए भी हैं या नहीं, क्योंकि ईमान का मैसेज आया था लैंडेड, तो नीचे आते साथ ही आ गए हैं सर। तो फाइनली निब्बी एंड टिड्डी, तो निब्बी से स्टार्ट करते हैं, निब्बी एंड टिड्डी, नॉट टिड्डी एंड निब्बी।
सो ये बहुत छोटी है इसलिए इनको टिड्डी बोलते हैं। उनको बहुत बुरा लगता है जब इनको छोटी बोलते हैं, क्योंकि जाहिर है जब हम भी छोटे थे हमें बड़ा बुरा लगता था, हम जबरदस्ती दाढ़ी उगाते थे ये बहुत के बड़े लगे। सो अगेन हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, मान टिड्डी एंड वी हैन बिहेविंग्स दो मिनट के लिए कंट्रोल नहीं हो सकती थी। ये आराम से ब्रेक मार लो। एक्सक्यूज मी सॉरी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आपको मिलती है। गाइस हम इस कंक्लूजन में निकल गए कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो फिलहाल पाकिस्तान का सबसे बेस्ट लुकिंग एयरपोर्ट है। मान लिया इस्लामाबाद ही बेस्ट है कराची से, सही है? मान गए? दोबारा हम आर्ग्यू नहीं करेंगे इस बारे में। प्रीटियर, कोल्डर, ये कराची में ज्यादा जगह है जाने के लिए, ज्यादा इट्स मोर फन, हैव द बीच, वी हैव माउंटेन्स, हमारे पास तो माउंटेन्स है, हमारे पास बीच है, हमारे पास क्या है यार। हमें इतना सोचना पड़ता है ना, हमसे जब भी कोई पूछता है ना कि कहाँ पे खाना खाना, तो हमें जवाब नहीं दिया जाता। हम सोचते हैं कि इस्लामाबाद में क्या है खाने की अच्छी जगह, फिर बहुत समझने के बाद फिर हम इस कंक्लूजन पे निकलते हैं, अच्छा मतलब इस्लामाबाद में कोई ज्यादा जगह है नहीं। तो खैर कराची विंस फॉर फूड, बट इस्लामाबाद ही बुरा नहीं है, ठंडा है, ऐसा मोमेंट है जो दोनों कैमरे पे रिकॉर्ड होना चाहिए। फाइनली एयरपोर्ट से लेके आ गए, हम सामान सारा लेके आ रहे थे, लेकिन फिर हमें याद आया कि ओ हमें रेडी को हमने होटल छोड़ना है। नबिया ईमान का हम ले, क्योंकि हमने मना लिया कि दो दिन ये हमारे साथ रहेंगे। बिस्किट से मिले अंकल, बिस्किट से पहली मुलाकात। वेट 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 वेट, बाय बाय। सबसे पहले डैडी मिलेंगे। ब्राउनी रख देते वैसे इसका नाम। ब्राउनी। बहुत हल्के अंकल। बेचारा। ये तो मतलब मुझे लग रहा है क्या माउस। मैं तो सुन रहा हूँ। नहीं यार। नो। ये भी पॉपी लग गया मुझे। टीथिंग हो रही है? हल्का है ना? नान ले आइए। ओके। कितने नान? 10 ले। मैं भी चलूं? चलो। पेट पेड़े के नान। ईमान चले? हाँ चलो। चलो। आते साथ ही सारे अपनी हरकतों में, भी आते साथ ही अपने टेलर सुफ़ी गाने बजाने लग गए। ये मैंने खुद लिखा है गाना। अच्छा। सुन तो ले। आगे नहीं बढ़ता गाना है, लेकिन मैंने अभी सुनाना नहीं है ना, बिग रिवील होगा। क्यों बिग रिवील? और यहाँ पे ईमान जो है ये हमारे बिस्किट मम्मा के, नहीं इसका नाम चेंज करके चिलगोजा रख देते हैं, चिलगोजे के साथ बैठी है ईमान। सारे अकेले भेज रहे थे नान लेने के लिए, लेकिन ईमान इज हेयर टू अकंपनी मी, और यहाँ पे हम बिस्किट को भी साथ लेके जा रहे हैं, अकेले जाने का दिल नहीं कर रहा। नान भी आ गए और मम्मा ने ब्रेड मंगाई थी, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि डैडी के पास मीठे के ऑप्शंस कम है और उन्हें फ्रेंच टोस्ट पसंद है, तो मैंने कहा जरा उन्हें खुश कर दूं मीठा बना के कुछ ऐसा उन्हें पसंद हो। आप बता सकते हैं कि मेरे इन-लॉज आए हैं, जब क्रिकेट ऑन हो जाए और सब कोजी कंफर्टेबल हो। किस भाई यहाँ पे क्रिकेट का बहुत रवाज है, हमारे घर पे बिल्कुल भी नहीं, हमारे घर पे कोई भी नहीं देखता क्रिकेट, बट यहाँ पे सब इस तरीके से प्रॉपर एंथुजियाज्म से देखते हैं। जदीद किस्म की भूख लग रही है, सबको भूख लग रही है, लेकिन भाई क्रिकेट नहीं खत्म हो रही। तो वही काफी देर बैठ के हमने काफी फन किया और हमें टाइम का पता भी नहीं चला, सो इट्स अबाउट 1 बज गए और होटल में चेक इन करना है, तो मैं सबको लेके जा रहा हूँ होटल ड्रॉप करने के लिए। रूमर लेके जा रहा है बिस्किट को पिशी कराने के लिए, लेकिन वो भी आपको बाय बाय बोल रहे हैं, और गाड़ी भी जैम पैक्ड है। फिट आ गए सब? ईमान ऊपर रिसेप्शन पे चेक इन हो रहा है, हो गया बल्कि हो गया हो गया। मेरी एंटीबायोटिक का जो टाइम है ना वो 12 बजे था, एंड आई थिंक वी लेट बाय अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे से मेरी लेट हो गई है, तो अब घर जाके मुझे दोबारा से लेनी पड़ेगी और साइकिल दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, और अब हम जा रहे हैं घर। चले अंकल, बाय बाय, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। क्या बात, रॉयल मेडिकोज में कहाँ मिलता है इस तरह का? जी सब ट्रूइंग ट्रूइंग ट्रूइंग। अच्छा सुबह क्या करना है? सुबह मैं आप सबको ब्रंच पे इन्वाइट कर रही हूँ। आप सबको नहीं, हम सबको। पूरी यूट्यूब के सब्सक्राइबर आए, लोग कॉलेज की लाइन लगी हुई हो। अच्छा फिर तो अपने बच्चों को इनवाइट कर रही हूँ नाश्ते के लिए, मतलब ब्रंच के लिए, क्योंकि कल संडे है, उमर की और हमना की भी छुट्टी है, तो दे कैन जॉइन। उनसे मेरी सही से उमर से तो मुलाकात हुई, हमना बेचारी इतनी थकी हुई आती है वो सो जाती है, तो इस बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी और मेरी तरफ से नाश्ता हो जाएगा कि
क्योंकि मेरी फेवरेट जगह है वो नाश्ते की, उनके ऑमलेट, उनके फ्रेंच टोस्ट, उनका ग्रेनोला। रात के 2 बजे और मम्मा हमें घर नहीं जाने दे रही और फिर बोलनी सुबह भी जल्दी आओ। हम समझे सोए कब, हम नींद कब पूरी करें अपनी। बताओ तो सही उठे कितने बजे थे? मैं तो 10 बजे उठती थी। मैं 11-12 बजे उठा था। क्या 11-12 बजे उठे हो गए? करवट बदल। 12:30 बजे मम्मा उठी है तुम उसके बाद। यार मेरा तकिया बहुत अनकंफर्टेबल था। बोला था नहीं ऐसे लिजिट बहाने देता है कि बंदे को दिल ही नहीं करता उठाने का। तकिया तो लेके गए थे ना सुबह, इसने दिया। लेकिन उसके ऊपर मैंने एक लेयर किया था, उसके बाद मुझे फिर भूल गया कि वो नीचे लगा हुआ है। मैं 6 बजे की उठी हूँ, थोड़ा सांस करने चलने। गुड नाइट। बाय। क्या कर रही थी? सोफे पे सोना है आपने। और दोबारा दवाई जब तक ये ठीक नहीं होता, सो यू विल हैव टू बेयर विद इट। तो आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह। Oh, oh, oh.